ओम शांति। अभी भाई जी ने हम सबको इतनी सुंदर दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं सुनाई। आप सबको पता है बाबा का यज्ञ 1936 में स्टार्ट हुआ। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्वयं भगवान शिव बाबा ने इस यज्ञ की नींव रखी और आज ये यज्ञ इतना विशाल रूप से चारों तरफ फैल कर अपने आध्यात्मिक की कहो, शांति की कहो, शक्ति की कहो, फिर में सारे विश्व में फैला रहा है। तो जब यज्ञ की शुरुआत हुई 1936 और 37 के बीच में, तब बाबा के यज्ञ में बहुत सारे अनन्य रतन आए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यज्ञ में समर्पित किया और संपूर्ण जीवन समर्पित करने में कुछ महान कुछ विशेष आत्माएं नींव का पत्थर बनी। तो उन्हीं में से एक हमारी दीदी मनमोहिनी जी थी जिनके बारे में अभी भाई जी ने आप सबको बताया। 28 जुलाई उनका स्मृति दिवस है, इसलिए आज उनकी कुछ विशेषताएं आप सबके साथ भाई जी ने शेयर की। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन विशेषताओं को सुने भी हैं अच्छी तरह से और धारण भी करेंगे। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी और दादी जी के साथ ही मनमोहिनी दीदी हमारी सहयोगी रही, साथी रही, हमारे यज्ञ की प्रशासिका के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो इस तरह से कई वर्षों तक यज्ञ को बढ़ाने में, यज्ञ को पालना देने में दीदी मनमोहिनी जी का विशेष योगदान रहा है। तो हम सभी गुरमोहर की बगिया के भाई बहने उनको 28 जुलाई जो उनका स्मृति दिवस है उसके निमित्त अपने श्रद्धा सुमन श्रद्धा भाव समर्पित करते हैं। और एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हम सभी शांति से उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करके साइलेंस में बैठेंगे, फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सबके भोपाल में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। ये भी ड्रामा का एक अचानक का खेल चल रहा है। कुछ समय पहले हम सब 4 महीने लॉकडाउन में रहे, फिर कुछ दिन अनलॉक में रहे और अब फिर से लॉकडाउन की ओर हम चले गए हैं। बीच में थोड़ा सा समय मिला हम सब कुछ भाई बहन मिले भी और बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। क्लास स्टार्ट हुई, चलो बाबा ने एक थोड़ा सा ड्रामा में ऐसा पार्ट दिया कि हम लोगों का एक रूहानी मिलन हुआ, लेकिन अभी फिर से हम सब लॉकडाउन में गए हैं। पर इस लॉकडाउन में जाने के साथ साथ कई भाई बहनों को बड़ी चिंता फिकर भी हो गई कि अरे फिर से हो गया, कोरोना बहुत बढ़ गया है, समस्या बहुत बढ़ गई है, परिस्थिति बहुत बड़ी होती जा रही है। अब ये परिस्थिति सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि देश और दुनिया में इस तरह का माहौल बन गया है। पर हम सब जो महारथी और महावीर बच्चे हैं, महारथी और
महावीर बच्चे, हमेशा ये याद रखना कि हम बाबा के बच्चे कौन हैं। महावीर और महारथी हैं। बाबा ने हमको इतने वर्षों तक ये सम्मान दिया है। वैसे आज के परिवेश में देखते हुए मुझे बाबा का एक सम्मान हमेशा, एक महावाक्य हमेशा याद आता है। बाबा ने एक बार कहा था नदी में, अव्यक्त वाणी में, कि जो बच्चा, बाबा का जो भी ब्राह्मण बच्चा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहता है, बाबा का जो भी ब्राह्मण बच्चा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहता है, उसका जिम्मेवार बाप रहता है, उसका जिम्मेवार बाप रहता है। और जो परिस्थिति आने पर अपसेट होता है, उसका जिम्मेवार वो आप होता है। मतलब अगर कोई भी बच्चा है बाबा का, जैसे हम सब बाबा के बच्चे हैं, अगर इस समय हम अपने सम्मान की सीट पर सेट रहेंगे, जैसे बाबा ने हमें सब सम्मान दिया कि आप महावीर हो, आप महारथी हो, अगर हम अपने सम्मान की सीट पर सेट हैं, तो हमारा जिम्मेवार कौन है? बाप है। और अगर हम परिस्थितियों के आधार से, किसी भी कारण के आधार से, किसी स्थिति के आधार से अपसेट है, तो हम अपने जिम्मेवार स्वयं हो जाएंगे। तो किसको जिम्मेवार बनाना चाहते हैं? अपने आप ही अपना जिम्मेवार रहना चाहते हैं, क्या बाबा को अपनी जिम्मेवारी देना चाहते हैं? क्या कहेंगे? बाबा को हम सब अपना जिम्मेवार बनाना चाहते हैं। तो चारों तरफ जब दुनिया में आज हलचल है, हर एक आत्मा का मन अचल अचल नहीं है, हलचल में है। मतलब कि समय को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, अपने संबंधियों को देखते हुए, साधनों को देखते हुए, बहुत सारे सर्कमस्टांस हमारे सामने अलग अलग रूप में आ रही है। तो ऐसे समय अगर हमको मजबूत रहना है, ऐसे समय अगर हमको अपनी स्थिति अच्छी रखनी है, तो हमें क्या करना होगा? अपने सम्मान को बार बार याद करना होगा। विशेष बाबा ने एक मुरली चलाई थी, तो बाबा ने कहा था कि अगर जब भी जीवन में, हमारी लाइफ में कोई हलचल आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो आप सम्मान का बहुत तीव्र गति से अभ्यास करें। जैसे दिन में कई बार सवेरे से रात को सोते तक आप दो दो मिनट के लिए, तीन तीन मिनट के लिए, एक एक मिनट के लिए अपने सम्मान का अभ्यास करो। जैसे आज हम एक सम्मान देते हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। अगर हमने सम्मान लिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, और इसको आप चलो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन दिन में पांच बार, दिन में सिर्फ पांच बार इसका अभ्यास करिए, और तीन तीन मिनट के लिए करिए। जैसे होता है ना, जब कोई हमारे घर में ऐसे लगता है कि थोड़ी सी कीटाणु आ रहे हैं, या थोड़ी सी ऐसे थोड़ी ऐसी चीज हो रही है, तो हम अपने घर की क्या करते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, थोड़ी रोशनी लाते हैं। कहते हैं ना कि सूर्य की किरणें जब हमारे घर में आएंगी, रोज धूप हमारे घर में आएगी, तो हमारे घर के कीटाणु कहो, घर की बीमारी कहो, घर में जो भी थोड़ी सी ऐसी सीलन आ गई है या थोड़ी सी ठंडक आ गई है, तो वो दूर हो जाती है। तो हम लोग रोज सवेरे क्या करते हैं, अपने घर की खिड़की इसलिए खोलते हैं, दरवाजे इसलिए खोलते हैं, फ्रेश एयर आए, थोड़ी सी धूप आए, और उस धूप से हमारे घर की गंदगी या कीटाणु या विषाणु या जो भी चीजें हैं, वो सब जल जाए, खत्म हो जाए, घर शुद्ध हो जाए। तो अब हमको ये संकल्प करना है कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और अगर मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा अपने घर में पांच दिन में पांच बार पांच जगह खड़े होकर ये संकल्प लेती हूँ कि मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य से ऐसी पावरफुल किरणें निकल रही हैं, शक्तियों की किरणें का, पवित्रता की किरणें कहो, है ना, बाबा से जो हमने प्राप्ति की है वो किरणें कहो, मेरे घर के कोने कोने में मैं फैला रही हूँ, तो मेरे घर से कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, अभी की हो, पहले की हो, या आने वाली हो, वो सब भाग जाएंगी, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वर्तमान समय मुझे लगता है कि ये अभ्यास हम सबको बहुत काम आएगा।
आप सबको समझ में आया होगा कि हम सब ये अभ्यास करें कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ और मुझे अपने जैसे वो सूर्य की किरणों से चीजें खत्म होती हैं, ऐसे ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा से ऐसी पावरफुल किरण निकल रही है तो मेरे घर की सारी बीमारी, सारी गंदगी, सारे दुख तकलीफ आज से खत्म हो रही है। ऐसे आप अपने घर में 5 जगह अलग अलग जगह खड़े होकर एक दिन में 5 बार 5 जगह खड़े होकर, घर के 4 कोने होते हैं और एक बाहर या पीछे, जहां भी आपको लगता है आप वहां खड़े होकर ऐसे शुद्ध वाइब्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारी सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम सोचते हैं चारों तरफ कोरोना है, चारों तरफ ऐसा माहौल है, चारों तरफ ये बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमसे दूर रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा ना, हम एक तरह से उसका आह्वान कर रहे हैं। जैसे हम किसी चीज को बार 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 याद करेंगे तो वो चीज हमारे सामने आ जाती है, फिर हम क्या कहते हैं, हम तो बहुत दिन से याद कर रहे थे, तो वो चीज अचानक हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो अगर हम इसको इस तरह से याद करेंगे तो हम उससे अछूते नहीं रहेंगे, इसीलिए क्या करना है, हमको उस चीज को याद नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, अपने घर में 5 जगह खड़े होकर बार बार ये वाइब्रेशन देना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मुझसे सूर्य की तरह किरणें निकल रही है, जिससे ये सारी बीमारी वायरस दूर हो रहे हैं। हो सकता है, कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, ये समय की मांग है, समय की पुकार है, इस समय हमको ऐसा सामान अपने जीवन में लेना ही होगा, बहुत जरूरी है। देखिए हम बाबा को याद करते हैं, भक्ति में भी हम याद करते थे, ज्ञान में भी याद करते, हम बाबा की याद क्यों करते हैं, हम भगवान को याद क्यों करते हैं? क्या हम भगवान को इसलिए याद करते हैं कि परिस्थिति ना आए? बताइए भगवान को हम क्यों याद करते हैं? भगवान को हम सब क्यों याद करते? इसलिए याद करते हैं कि परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति से हम सब बच नहीं सकते हैं, जो भी चीजें हैं वो सब तो हमारे सामने आएंगी, है ना, लेकिन हम भगवान को याद इसलिए करते हैं कि भगवान की याद आने से हमारी आत्मा पावरफुल हो जाए। कई लोग सोचते हैं हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे सामने पेपर नहीं आएगा, हमारे सामने परिस्थिति नहीं आएगी, हमारे सामने परीक्षा नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की याद से वो पेपर, वो परिस्थिति, वो परीक्षा, हमें परीक्षा अनुभव नहीं होगी। तो जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे वर्तमान समय, हमारी आत्मा में वो पावर आती जाएगी, हमारी आत्मा सूर्य के समान बन जाएगी, मास्टर सूर्य बन जाएगी और सूर्य की किरणों से सारी कहना चाहिए मन की गंदगी का वो शरीर में ताकत आ जाएगी और मन की गंदगी सब खत्म हो जाएगी। तो आज से सबको ये अभ्यास अपने घर में 5 बार जरूर करना है। करेंगे सभी जी। करेंगे फाइनल, करना ही है, तभी हम बाबा के बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे, सेफ रह पाएंगे। और दूसरी बात है कि समय परिस्थिति को देखते हुए हमें अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को बहुत ही ऊंचा बनाना है, बहुत ही पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को, अपने विचारों को बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं कि विचार ही आपके जीवन के परिवर्तन का आधार है। अगर आपने अच्छे विचार रखे तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, जीवन आपका कहाँ से कहाँ बन जाएगा। और अगर हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि वर्तमान समय देखते हुए अपने संकल्पों को ढीला मत करिए, अपने संकल्पों को कभी कमजोर मत होने दीजिए, बल्कि हमेशा संकल्पों को परिवर्तन करते रहिए। जैसे बाबा ने कहा ये परिवर्तन का दौर है, ये जो समय चल रहा है परिवर्तन का दौर है। आप भी देख रहे हैं रोज डे बाई डे नया नया चीज हमारे सामने आ जाता है, परिवर्तन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। इतना अचानक परिवर्तन हो रहा है कि हम जो सोचते नहीं है वो भी सब परिवर्तन हो रहा है, अचानक इस सब चीजें सामने आ रही है। तो इस दौर को हम कहेंगे परिवर्तन का दौर है, और इस परिवर्तन के दौर में बाबा ने हम सबके सर पर परिवर्तन का ताज पहनाया है। हम सबके सर पर क्या है, परिवर्तन का ताज है।
कि बाबा ने कहा पहले तुमको परिवर्तन होना है, फिर इस दुनिया को बदलेंगे। तो ये जो भी सब चल रहा है दुनिया में, जो भी सब हो रहा है, वो परिवर्तन के लिए ही हो रहा है। और इस परिवर्तन के युग में, इस परिवर्तन के दौर में, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच का, अपने विचारों का परिवर्तन करना है। सबसे पहले हम क्या अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, क्या सोच में परिवर्तन लाएंगे? सबसे अच्छा एक परिवर्तन लाने का विचार है, संकल्प है, आप हमेशा सोचिए कि इस परिवर्तन के दौर में, इस परिस्थितियों के दौर में, इस आपाधापी के दौर में, या कहीं हलचल के माहौल में मेरा साथी कौन है? आपको याद रहता है आपका साथी कौन है? सबसे बड़ी बात आप यही सोचिए कि आपका साथी कौन है। स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान इस समय आपका साथी बना है। हम भक्ति में भगवान से कहते थे, भगवान आप आएंगे जब भी आप हमें मिलेंगे, जब हम पूजा पाठ करते थे तो आप हमें अपना बना लेना। एक बार बाबा, अव्यक्त बाबा आए, मधुबन में बाबा की मुरली चल रही थी और बाबा विशेष उस मुरली में माताओं से मिल रहे थे। तो बाबा बच्चों से कह रहे थे, माताओं से, कि देखो आपने भक्ति में मुझे पुकारा था कि भगवान आप कहाँ हो, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, चलो अब मैं मिल गया हूँ। और आप जब नहीं मिला था तब कहते थे आप जब मिलोगे तो मुझे अपना बना लेना, मेरे ऊपर अपनी कृपा बना लेना, ऐसे हम भगवान से कहते थे। लेकिन भगवान ने, बाबा ने उस दिन बच्चों से पूछा कि चलो मैं आया, मैंने आपको बना लिया अपना, आप मेरे बन गए, लेकिन आपने मुझसे जो नहीं मांगा वो भी मैंने आपको दिया। बताओ बाबा ने बच्चों से कहा कि आपने जो मुझसे नहीं मांगा वो भी मैंने आपको अपना बनाकर दिया। तो बाबा ने बच्चों से प्रश्न किया कि बताओ मैंने क्या दिया जो आपने नहीं मांगा था। तो सब बच्चे सोच में पड़ गए थे। कई बच्चे बाबा को आंसर कर रहे थे। क्या आंसर कर रहे थे? कि भगवान हमने इतना ऊंचा ज्ञान नहीं मांगा था, आपने हमें वो ऊंचा ज्ञान दे दिया। कई बच्चे कहने लगे बाबा हमने ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं मांगा था, वो आपने हमें दे दिया, राइट? ऐसे कई बच्चे कहने लगे भगवान हमने तो आपसे इतना शांति और सुकून नहीं मांगा था, मतलब थोड़ा बहुत मांगा था, लेकिन आपने तो हमें असीम शांति और सुकून दिया। तो ऐसे अलग अलग बाबा को बच्चों ने आंसर दिए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आंसर दिए। फिर बाबा ने कहा और बताओ क्या नहीं मांगा था जो मैंने आपको दिया है। तो सब बच्चे सोच में पड़ गए कि इतना सारा अच्छा आंसर तो दिया है, अभी और क्या है? तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुमने ये नहीं मांगा था कि आप ही हमारे बन जाना। कभी मांगा था भगवान से ऐसा? हाँ, मुझे अपना बना लेना, मेरे ऊपर कृपा अपनी रखना, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि रखना, बस इतना ही मांगा था। लेकिन ये नहीं मांगा था कि आप पूरे के पूरे मेरे बन जाना। ऐसा किसी ने मांगा था भगवान से? किसी ने नहीं मांगा था, भक्ति में भी। लेकिन ज्ञान में क्या हुआ? बाबा की हम बच्चों के ऊपर सीधी नजर पड़ गई। हाँ, अभी बीच में कोई है ही नहीं, जैसे और कोई मीडिएटर होता है ना, इनके थ्रू हमारा पूजा करवा दी, इनके थ्रू ये कर दिया, उनके थ्रू ये हवन हो गया। यहाँ तो अभी क्या हो गया, भगवान के साथ मेरी आत्मा का सीधा सीधा कनेक्शन हो गया। मतलब भगवान की सीधी नजर इसके ऊपर पड़ गई। अभी इसमें हम ये नहीं कहेंगे हमारे ऊपर पड़ गई, अभी ऐसे कहेंगे भगवान की सीधी नजर मेरे ऊपर पड़ गई, हमारे में तो फिर भी सब आ गए। तो जब सामान आपको चढ़ाना है, अपने को नशा चढ़ाना है, तो उस समय क्या सोचेंगे कि भगवान की सीधी नजर मेरे ऊपर है, वो सीधा मुझे देख रहा है। दूसरी बात, भगवान सीधा मेरे ऊपर मेहरबान है कि नहीं? अपने दिल से पूछिए आपके ऊपर कौन मेहरबान हुआ। आपको लौकिक में छोटी सी किसी से हेल्प मिल जाती है, कोई मिनिस्टर से हेल्प मिल जाए, कोई आपके अच्छे संबंधी से हेल्प मिल जाए, आप बड़े खुश हो जाते हैं। अरे उन्होंने आज फोन किया,
उन्होंने आज मेरे बारे में पूछा, उन्होंने मुझे मदद दी, हेल्प दी, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको सीधा कौन पूछ रहा है, कौन पूछता है? बाबा पूछता है ना, तो बाबा सीधा की सीधा हमारे ऊपर मेहरबानी, कितनी बड़ी बात है। तीसरी बात, बाबा हमारे ऊपर इतना राजी है, राजी मीन्स इतना खुश है कि बाबा कहते तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे सारे काम कर देता हूँ। और बच्चों को सच में ऐसा अनुभव होता भी होगा कि हम सबके काम कौन करता है, हम सबके काम कराने वाला कौन है? अब बाबा ही है। सच में कई छोटे छोटे काम होते हैं, कई बड़े बड़े काम होते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। कई बार तो इतना मुश्किल होता है, लगता है ये काम बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, इसको करने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन वो काम भी इतने सहज रीति हो जाता है। कैसे हो जाता है? मतलब बाबा हमारे ऊपर इतना राजी है, इतना राजी मीन्स इतना खुश है हमारे से कि वो हमारे सारे काम करने को तैयार है। एक वाणी में बाबा ने कहा था, मैं आपका ठेका लेके बैठा हूँ, अभी बताओ हमारा ठेकेदार कौन है, कौन है? आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन हुआ है? बाबा के साथ हुआ ना, भगवान के साथ हुआ ना, तो भगवान आपका कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसने आपका सारा ठेका लिया है। फिर तो हमको चिंता फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, भगवान मेरा साथी है। और क्या कहते हैं, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। सुना, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है ईश्वर तो उसको दुनिया से डरने की कोई बात नहीं है, भगवान हमारे साथ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये सम्मान की अपनी माला, सम्मान की अपनी लिस्ट हमेशा बढ़ाते जाओ। रोज ऐसे समय, अगर आपको इस समय मतलब इस कोरोना काल में, ऐसी दुनिया में जब हलचल है, ऐसे समय आपको स्थिर रहना है, ऐसे समय अपने चित्त को शांत रखना है, ऐसे समय अपने मन को शांत रखना है, अपने जीवन में खुशी बरकरार रखनी है, तो आपको ऐसे ऐसे सामान रोज याद करने पड़ेंगे, बाबा को सामने रखना पड़ेगा। फिर देखो कुछ भी होता जाए आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो हमेशा सोचो कि भगवान मेरा पूरा की पूरा बन गया है। मैंने तो सपने में भी नहीं मांगा था कि भगवान आप आओगे तो मेरे पूरे बन जाना, मांगा था क्या? नहीं मांगा था। और इस समय भगवान मेरा पूरा की पूरा बन गया है, इतनी बड़ी बात है। देखो हम लोग देखते हैं, दुर्योधन था, महाभारत चली, दुर्योधन 100 भाई, इतना सारा राजपाट, सब कुछ संपन्न था, ऐसे कंस था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो भगवान को नहीं बांध सका, भगवान को अपना नहीं बना सका। दुर्योधन के आगे भी ऑप्शन आया था भगवान को अपना बनाने का, हाँ, लेकिन नहीं बना सका। कंस भी भगवान को नहीं बांध सका, भगवान को किसने बांधा, किसने अपना बनाया? सच्ची भोली भाली गोपिकाओं ने, है ना? भगवान ने किसके साथ खेल पाल किए? गोप और गोपिकाओं के साथ, एकदम गरीब गरीब गोप गोपिकाओं के साथ, हाँ, सीधे साधे भोले मन के गोप गोपिकाओं के साथ। तो बाबा कहते हैं कि आप सब वही गोप गोपिकाएं, वही समय चल रहा है, वही महाभारत महाविनाश का समय है। इस समय आप भगवान को अपने प्यार और भावनाओं से, अपनी प्यार और अच्छी भावनाओं से भगवान को बांध लो। भगवान इस समय बंधने को तैयार है। भगवान आया किसके लिए? हम बच्चों के लिए आया है। तो हमेशा ऐसे सोचो कि भगवान मिला नहीं है, भगवान पूरा की पूरा मेरा बन गया है। सिर्फ मिला नहीं, बल्कि भगवान पूरा की पूरा मुझे आत्मा का बन गया है, भगवान मेरा पूरा हो गया है। और इस समय में जितना चाहूं भगवान को अपनी प्यार भरी भावनाओं से बांध सकती हूँ, बांध सकता हूँ। और भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो खजाने हैं, भगवान की जो प्यार है, जो पालना है, उसका हम संगम युग पर पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। दिखाया था कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए,
भगवान को तो तुलसी के पत्तों में ही भगवान को तोल दिया। हाँ, तुलसी के पत्ते मतलब क्या? कितने हल्के, एक तरफ तो पूरा सोना चांदी तराजू में और एक तरफ मंडीदीप में प्रोग्राम करते हमने एक बार ये ड्रामा किया था। तो एक तरफ तुलसी के पत्ते और एक तरफ सोना चांदी, तो भगवान कहाँ उठा जब तुलसी के पत्ते रखे गए, है ना? तो इतना भगवान भावनाओं का, प्यार का भूखा है, उसको और आप पर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अब आप सोचे तुलसी का पत्ता रखे भगवान बंधेगा कि नहीं बंधेगा, भगवान को मैं प्यार करूं लेकिन भगवान को मेरा प्यार अनुभव होगा कि नहीं होगा, तब तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो भगवान के ऊपर पूरा पूरा क्या चाहिए? निश्चय चाहिए, पूरा पूरा ट्रस्ट चाहिए, पूरा एकदम से, बाबा बोलते हैं ना 100% निश्चय। अभी कई बार मुरलियों में आप सब ने सुना होगा, आप सब बाबा के बच्चे हैं, कि प्यार में सब पास है, प्यार में तो 100% है, लेकिन निश्चय में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो भगवान में आप सबका पूरा, आपका भगवान में पूरा पूरा निश्चय चाहिए, और इस समय तो और ज्यादा भी चाहिए। इस समय बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर रहना है, जब निश्चय होगा तब निश्चिंत रह पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो निश्चिंत नहीं रह सकते, फिर आपको भी चिंता होती रहेगी, आपको भी फिक्र होती रहेगी, आपको भी दिक्कत आती रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि निश्चिंत रहने के लिए, हल्के रहने के लिए एकदम निश्चय बुद्धि रहिए, चिंता फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बात और है, हम लोग इस समय अपनी चिंता कम करते हैं और दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। बाबा ने कहा है ये जो समय चल रहा है, इस समय हरेक आत्मा को अपनी चिंता करनी है, दूसरों की चिंता, दूसरों की फिक्र हमें नहीं करनी, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है और संगम युग मतलब कलयुग की एंड है और सतयुग की आदि है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, बीच का थोड़ा सा समय भगवान ने हमें दिया है, और इस थोड़े से समय में हमें बहुत कुछ इस दुनिया में देखना है, बहुत कुछ इस दुनिया में सुनना है, बहुत कुछ सामना करना है, और हम सब बच्चों को इन सब चीजों के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा कि नहीं? अभी कोई कलयुग की शुरुआत तो है नहीं, कलयुग की अंत है, अंत की भी बाबा बोलते अंत है, संगम युग की भी अंत है। तो ऐसे समय परिस्थितियां, पेपर, परीक्षाएं तो अब लगभग आने ही हैं और आएंगे। आप लोग क्या समझते, कम होंगे या बढ़ेंगे? आप लोगों का दिल क्या कहता है? ये जो चल रहा है दुनिया में, लोग बाहर वाले लोग कहते यार ये सब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, खत्म हो जाएगा, होना है, लेकिन कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, वायरस नहीं तो प्रकृति से आ जाएगा, व्यक्ति से आ जाएगा, कहीं और से आ जाएगा। तो दुनिया में हलचल बढ़नी है कि कम होनी है? आप लोग क्या सोचते हैं? बढ़नी है ना, और इस हलचल को बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। और एक बात हमको ये स्वीकार कर लेनी है, स्वीकार मतलब पक्का स्वीकार ही कर लेनी है कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, वो होना ही है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और इसमें हम, आप, बाहर वाले सबको अपना अपना हिसाब भी क्लियर करना है। इन्हीं सब चीजों से तो हरेक आत्मा का हिसाब किताब क्लियर होगा ना, वो चाहे हमारे संबंधी हो, चाहे हमारे साथी हो, चाहे दूर वाले हो, सहयोगी हो, या हम जिन्हें नहीं जानते, अननोन व्यक्ति भी हो सकते, हर एक आत्मा का इन सब चीजों से हिसाब किताब क्लियर होना ही है। हिसाब किसी का अब छूट नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वापसी की जर्नी है, रिटर्न जर्नी है, और रिटर्न जर्नी के पहले क्या करना है, सबको अपना अपना हिसाब क्लियर करके जाना है, कोई बच नहीं सकता हिसाब क्लियर करने से।
तो जब ये हिसाब किताब क्लियर करने का समय चल रहा है तो क्यों ना हम भी खुशी खुशी हिसाब क्लियर करें ना, रो के, परेशान होके, दुखी होके, टेंशन में आके, चिंता में आके नहीं, बल्कि खुशी खुशी अपना हिसाब क्लियर करें। और हमें जैसे दिख रहा है दुनिया में बहुत सारी आत्माएं सफर कर रही है, परेशान है, बहुत सारी आत्माएं बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, तो हमारा फर्ज क्या है कि ऐसी आत्माओं को हम अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से परिवर्तन करें, हम उनके प्रति अच्छी भावना रखें, अच्छे बोल बोले, उनके लिए भी अच्छा करें। जैसे हम कहें कोरोना है, कोरोना है, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, अरे अभी देखना आप क्या होगा, थोड़े 2 महीने बाद या 6 महीने बाद ऐसा होगा कि इतने लोग मर जाएंगे, इतनी दुनिया साफ हो जाएगी, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, हम भी वही भाषा बोलने लगे, फिर हम लोगों का फर्ज क्या है, हम भी वही भाषा बोले कि आप देखना 4 महीने बाद इतने लोग खत्म हो जाएंगे। हमको बोलना है सर, क्योंकि ब्राह्मणों की वाणी तो फलती है, हमको कभी ऐसा नहीं बोलना। हम लोग कह रहे हैं कि अभी सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि बहुत लोग संक्रमित हो जाएंगे, बहुत लोग बीमार हो जाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे तो शुभ भावना रखो कि नहीं सब ठीक हो जाएंगे, जल्दी सब अच्छा हो जाए। भले हम अंदर से जानते हैं कि सब कुछ होना है, लेकिन हम उस चीज को इस तरीके से शुभ भावना में लेते हुए, सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि सबका मंगल हो, हाँ एक प्रार्थना हम रोज कर सकते हैं, सबका मंगल हो, सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे, सबका भला हो, सबको सुख मिले, ऐसी मंगल कामना कर सकते हैं कि प्रार्थना हम कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते। करना है, रोज आप ऐसी मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करिए कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, ये धरती बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाए। और ऐसी मंगल कामना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन फायदा तो हमें भी होगा ना, धरती स्वर्ग बन जाएगी तो राज्य कौन करेगा। हमें ही तो करना है, हम अपने लिए तो तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए तो हम ऐसा सोच रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे कहा, आप बाबा के बच्चों को कभी अपने मुख से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी, हमारे संकल्प बहुत जल्दी फैलते, बहुत ताकत आ गई है ना ज्ञान योग से, तो हम जो सोचेंगे बहुत जल्दी हो जाता है। अरे हमारे यहाँ बहुत बढ़ेगा, अभी लग रहा और बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, और बढ़ेगा, प्रभाव पड़ेगा उसका। इसलिए आप बहुत पॉजिटिव होके अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपने विचारों में एक सात्विकता, एक शुद्धता, एक शक्ति वाले विचार लेके आइए। कमजोर विचार नहीं चाहिए, ऐसे वैसे ढीले ढाले विचार नहीं चाहिए। हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि सब बाबा के बच्चे कौन है, महावीर हैं, महारथी हैं, कमजोर नहीं है। तो ऐसे हम सबको संकल्प करना है और दुनिया में जो भी हो रहा है उसको स्वीकार करना है, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, निश्चिंत रह के उसको स्वीकार करिए। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में रोज रोज आ रही हैं, हम इधर उधर से सुन रहे हैं, तो उनसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना, अपसेट नहीं होना है। बाबा का महावाक्य आपको बताया ना, आप अपसेट होंगे तो आप अपने जिम्मेवार आप होंगे, और अपनी स्थिति पे सेट होंगे तो आपका जिम्मेवार बाप होगा। तो बाप को जिम्मेवार बनाना है कि आप खुद ही अपना जिम्मेवार बनना चाहते हैं, बाबा को बनाना है। अब ऐसे समय कई बाबा के बच्चे सोचते हैं, अरे ये भी अंत समय है, ये भी ज्ञान में चल जाए, ये भी सुन जाए। हमें अपनी चिंता करने के बजाय इस समय हमें दूसरों की चिंता में हम समय लगा देते। बाबा ने कहा ये संगम युग का लास्ट है, इस समय हमें ज्यादा दुनियादारी की चिंता भी नहीं करनी है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, बस अपनी स्थिति को हमें मजबूत बनाना है। अगर मैं आत्मा मजबूत बन गई, मेरी स्थिति अच्छी हो गई, तो मैं अनेकों का कल्याण सेकंड में कर दूंगी। और अगर मैं ही अपसेट रही, मैं ही विचलित रही, मैं ही हलचल में रही,
तो पता नहीं और अनेकों को ना हल चलने ले आओ। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों में आपके परिवार वाले भी हैं, सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन क्या होता है इस समय स्थिति हमें अच्छी बनानी है, लेकिन दूसरों के कारण हम बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बाबा ने कहा सबका अपना अपना पार्ट है, हम किसी के पार्ट को चेंज भी नहीं कर सकते, किसी के पार्ट को बदल भी नहीं सकते, किसी के पार्ट में कोई एडिशन और करेक्शन भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस ड्रामा में तो एक आत्मा एक्टर है और वो अपने अपने हिसाब से अपनी एक्ट कर रहा है। वो तो डायरेक्टर ही जाने किसको क्या पार्ट है, किसका क्या रोल है और कितने दिन का रोल है, हम थोड़े ही जानते हैं, हमें थोड़े ही पता है, ऊपर वाला ही जान सकता है। लेकिन हम नीचे वालों के पार्ट को चेंज करने का इस समय तो प्रयास ना करें, ये भी बदल जाए, ये भी हो जाए, ये भी चल जाए, नहीं, हर एक आत्मा अपने हिसाब से चलेगी। ये तो मेरा भाग्य कि मुझे भगवान मिल गया, अब हम सोचे इसको भी अंत समय भगवान मिल जाए, इसको भी मिल जाए, ये भी आ जाए, नहीं, आप अपना ज्ञान योग करो और जब योग करें तो योग के समय दूसरों की चिंता फिक्र नहीं करना। जैसे कई बहनें कहती हैं दीदी अभी ऐसा समय चल रहा है, आप योग करो ना हमारे युगल भी ज्ञान में आ जाए, हैं? आप योग करो ना हमारा बेटा भी ज्ञान में आ जाए। अच्छी भावना है, आप अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम क्यों योग करें? आप इतने अच्छे बनो, अच्छी स्थिति बनाओ और बाबा के ऊपर छोड़ दो, ड्रामा के ऊपर छोड़ दो, उनका पार्ट होगा तो वो आत्मा ज्ञान में आ जाएगी, नई पार्ट होगा तो थोड़े समय ज्ञान में आ जाएगी। लेकिन आज आप अपना समय उस आत्मा के प्रति ज्यादा लगा के समय व्यर्थ नहीं गवा, उसी उसी आत्मा के प्रति सोचना। ये तो जरूरी नहीं है ना कि सबको ही भगवान मिलेगा, हर एक आत्मा को तो भगवान नहीं मिल सकता है ना, आपको मिल गया, अब आप अपनी शक्तियों से दूसरी आत्माओं का कल्याण करो। लेकिन जब योग लगाओ, जब बैठो, जब दूसरों के लिए बैठ सोचते रहो तो कैसे संभव है, नहीं है ना संभव। एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि एक राजा थे, बहुत भगवान को मानते थे, भगवान की रोज पूजा पाठ करते थे। एक दिन भगवान खुश होके उनको मिल गए तो भगवान से बात करने लगे, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहने लगे कि मुझे तो आप आज मिल गए हो, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी प्रजा को सबको दर्शन दो। हाँ, जैसे आप मुझे मिल गए, अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दो। जैसे बाबा का घर में एक बच्चा ज्ञान में चलता है, समझो एक घर में एक आत्मा ज्ञान में चल रही है, वो क्या सोचती है, मैं मधुबन बाबा मिलन करके आई हूँ और मैं सबको ले जाके बाबा से मिलवाऊ, है ना। भले उसके जीवन में अभी वो चीज नहीं आई हो, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि सबको बाबा मिल जाए, ठीक है, अच्छी भावना है। तो भगवान ने कहा ये थोड़ी संभव है कि मैं आपको दर्शन दिया हूँ तो सबको दर्शन दूंगा, सब आपकी प्रजा को। बोला नहीं भगवान, मेरी तो यही मुराद है। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, अब तुम्हारी बात मैं रखता हूँ, तुम एक काम करना, 4 दिन बाद वो अपने जो तुम्हारा राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी, पहाड़ी की जो चोटी है वहां पे मैं आ जाऊंगा, इतने समय पे तुम अपनी प्रजा को वहां पे ले आना। तो राजा ने कहा ठीक है, इतना ही है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि अरे 4 दिन बाद भगवान मिल रहा है, सारी प्रजा को चलना है, मैं सबको भगवान से मिलवाऊंगा। प्रजा भी खुश हो गई और राजा के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए निकल गई। जैसे अपने राज्य से सारी राजा प्रजा रानी सब जा रहे थे, थोड़े आगे बढ़े तो एक उनको ऐसे तांबे का पहाड़ जैसे दिखा, तांबा समझते ना, कॉपर, कॉपर का पहाड़ दिख रहा और उसे बड़ा सुंदर सुंदर कॉपर के सिक्के चिपके हुए। तो थोड़ी सी प्रजा के मन में लालच आ गया, थोड़े से लोग वहां से हटके वो पहाड़ की तरफ चले गए, कहां, कॉपर की पहाड़, तो वहां से सिक्के बटोरने लगे। काफिला आगे बढ़ गया, थोड़े और आगे बढ़े तो चांदी के पहाड़ दिखने लगा, एक सुंदर सा चमकता हुआ, उसपे भी सिल्वर कॉइन चिपके हुए थे। तो थोड़ी सी प्रजा को वहां लालच आ गया, थोड़ी प्रजा वहां रुक गई, जो छूट गए तो छूट गए। फिर काफिला आगे बढ़ा, राजा ने कहा जिसको चलना चलो, भगवान इंतजार कर रहे होंगे। आगे बढ़े तो गोल्डन पहाड़ दिखा चमकता हुआ, उसपे गोल्डन क्वाइन चिपके हुए थे। तो बहुत सारी, मतलब क्या, थोड़े आधे लोग तो ही बचे थे, आधे तो सिल्वर में कॉपर में रुक गए थे। तो
जितनी प्रजा बची थी वो सब चले गए और अपना अपना जो कपड़ा अपड़ा पहने थे उसमें सब बांधने बूंदने लगे, गोल्डन कॉइन इकट्ठे करने लगे। प्रजा वहीं छूट गई। उन्होंने कहा भगवान से तो फिर मिल लेंगे, इतना गोल्डन कहाँ मिलेगा कॉइन, है ना। अब बचे राजा और रानी। राजा बहुत दुखी हो गया, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने भगवान से कहा था मेरी प्रजा को आप दर्शन दो और मेरी प्रजा तो इतनी लोभी निकली, हाँ इतनी उसको लालच आ गया। बड़े दुखी मन से रानी से अपनी बातें शेयर कर रहे। रानी बोली सही बात है महाराज, प्रजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान से दर्शन करना था, भगवान से मिलना था। रानी भी राजा के दर्द को बांटते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे। बस थोड़ी दूरी वो पहाड़ बचा था जहाँ भगवान के दर्शन होने थे। उसके थोड़े ही पहले क्या होता है, एक डायमंड का पहाड़ दिखता है जहाँ हीरे चमक रहे। अब रानी का भी दिमाग उसमें चला गया। रानी भी बोलती राजा साहब आप थोड़ा चलो धीरे धीरे मैं आती हूँ। रानी ने गई और थोड़ा सा अपनी साड़ी के पल्लू वल्लू में बांधने लगी, है ना। अब बांधते बांधते उसको और लालच आया, थोड़ा और रख लू थोड़ा और रख लू। राजा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ गए और भगवान के पास अकेले पहुंचे। और भगवान ने कहा अरे कहाँ है तुम्हारी प्रजा, सबको दर्शन देना था। तो कहा भगवान को उन्होंने सारी बात बताई। अब भगवान तो जान ही जाना ना रहे, लेकिन भगवान ने बिल्कुल अनजान उससे सुना भाव से कि जैसे कुछ नहीं जानते हैं। और भगवान ने कहा कि देखो मैंने पहले ही कहा था ना, सबके भाग्य में भाग्य विधाता का प्यार, भाग्य विधाता का दर्शन नहीं होता है। आपकी जिद थी कि सबको भगवान मिल जाए, लेकिन सबको भगवान कैसे मिल सकता है, ये तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान का प्यार भगवान का साथ मिलता है। तो वो कम लोग हम लोग हैं, वो कम लोग हम लोग हैं। इस इतनी बड़ी दुनिया में भगवान हमें मिला है। अब हम सोचते रहे इसको मिल जाए इसको मिल जाए, फिर हम साथ में चलेंगे, फिर हम साथ में पुरुषार्थ करेंगे, मैं अपने घर में अकेली चल रही हूँ, मैं अपने घर में अकेला चल रहा हूँ, ये सब भी चलने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। तो इन चीजों में टाइम नहीं गंवाना है। मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ, जितना अच्छा भगवान से प्राप्ति करके अरे ये नहीं चल रहा है मत चलने दो, इनका कल्याण मैं करूंगा। अब डायरेक्ट इनका भगवान कल्याण करे, हो सकता है इनके भाग्य में नहीं है डायरेक्ट वाली पालना, लेकिन मैं भगवान से प्राप्ति करके, मैं भगवान से वो चीज पाकर इन आत्माओं को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। हो सकता है ना ऐसा कि नहीं हो सकता, संभव है, हो सकता है। इसलिए इस समय हमें बहुत ज्यादा इधर उधर की चिंता करके, इधर उधर समय लगा के अपनी स्थिति को खराब नहीं करना है। कैसे भी करके ये कोशिश करनी है कि मैं हमेशा अपनी सम्मान की सीट पर सेट रहूं। कोई मुझसे कुछ कह रहा है, कोई मेरी गुलामी कर रहा है। अब हम लोग अभी समय ऐसा चल रहा है, लोग कहते हैं कि हमारे परिवार वाले तो अभी भी हमसे खफा रहते हैं, अभी भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसी स्थिति है। ऐसे कई भाई बहनों के फोन आते हैं, कहते देखो दीदी अभी भी ऐसा माहौल है, इनको कोरोना के समय भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको पहले समझ में नहीं आया तो कोरोना में क्यों समझ में आएगा, क्यों समझ में आएगा, हा? कई बार आपस में और झगड़े बढ़ गए परिवारों में भी, साथ में रह रहे हैं, थोड़ा आपस में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने तो ये सब नहीं कहा, बाबा ने तो कहा कि ऐसे समय भी आपको सबसे प्यार मोहब्बत से लेना है। अगर कोई ने हमसे कुछ दो शब्द कह भी दिया, कोई ने हमारी निंदा या ग्लानी कर भी दी, तो आप हमेशा सोचो निंदा उसी की होती है जो कुछ करता है। कोई समझो कुछ कर ही नहीं रहा है, शांति से बैठा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो उसकी निंदा कौन करेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा ना। कोई आपको पत्थर मार रहा है तो आप उस पत्थर को सीढ़ी बना लो और ऊपर चढ़ जाओ कि उल्टा दो के चार पत्थर दे देंगे। लोग कहावत बनी हमारे यहाँ भारत में बहुत चलती है कि ईट का जवाब बोल दीजिए, सब सबको आता है, किससे देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, ईट का जवाब पत्थर से, कैसे बोलते हैं, मुझे यही बोलते हैं ना, ईट का जवाब पत्थर से, नहीं, अरे नहीं नहीं तो कैसे, ईट का जवाब फूलों से, राइट क्या है, ये दो सेंटेंस है, ईट का जवाब पत्थर से, ईट का जवाब फूल से, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ईट का जवाब
फूलों से, लेकिन इंडिया में जो कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से, हम चुप क्यों बैठेंगे, है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसे को ऐसा, इनको हम नहीं बोलेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है वो पत्थर फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे, तो हम उन पत्थरों को क्या बनाते जाए, सीढ़ी बनाते जाए, उन पत्थरों के आधार से ही हम ऊपर बढ़ते जाए, है ना, ऐसे तो हमारे जीवन में तरक्की हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उन पत्थरों को हम रोड़ा बना लेंगे, अगर हमने सीढ़ी की जगह उन पत्थरों को रोड़ा बना लिया, मतलब कि बैरियर बना लिया, रास्ते में रोक दिया, तो आगे नहीं बढ़ सकते, इनने क्यों पत्थर मारा, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा, पत्थर मीन्स बोलना या कुछ कहना, कोई बात ऐसी हो गई, समझो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, किसी हम घर में एक रहते हैं, एक घर में प्रॉपर्टी को लेके कोई बात होती है, सबके साथ ऐसा होता है, बहुतों के जीवन में होता है, दो भाई होते हैं, उसने प्रॉपर्टी ज्यादा ले ली और हमको कम दे दी, उसने बड़ा मकान ले लिया हमको छोटा मकान दे दिया, उसने ज्यादा जमीन ले ली हमें कम दे दी, अच्छा आप कहाँ लेके जाएंगे ज्यादा या कम, आपको भी तो यही जितना जरूरत है उतना यूज करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप ये सोचो उसने तो सिर्फ संपत्ति ज्यादा ली है, भाग्य विधाता तो उसके साथ नहीं है ना, नहीं है ना, भाग्य विधाता किसके साथ है, आपके साथ है, आज दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, लेकिन उनके पास भाग्य विधाता नहीं है, और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे वो संपत्ति उनकी जीरो होने वाली है, और आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, भाग्य विधाता है, लेकिन आपका ग्राफ ऊपर जाने वाला है, ऐसा है, श्योर विश्वास है, पक्का विश्वास है कि भाग्य विधाता आपके पास है, तो आपका भले जीरो अभी है अकाउंट का, वो जो भी है वो एकदम से फिर बढ़ जाना है, क्योंकि भगवान आपके साथ है। तो इसलिए अगर किसी ने हमसे प्रॉपर्टी ज्यादा ले ली है, ज्यादा हमें कुछ बोल दिया है, ज्यादा हमारा अनादर कर दिया है, या हमसे बात ही नहीं कर रहे, उसमें भी विचलित नहीं होना है, उस बारे में भी चिंता नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, हमेशा अपनी स्थिति को सेट रखना है। हमेशा मैं नए लोगों को बताती हूँ जब शिविर कराती हूँ कि आज लोगों ने अपने घर में बड़े अच्छे सोफा सेट डाल रखे हैं, कंफर्ट सोफा लेने जाएंगे, कहेंगे ऐसा सोफा दिखाओ भैया जो कंफर्ट हो, तो सोफा सेट अच्छा चाहिए, और मन मन कैसा चाहिए, मन सेट नहीं चाहिए, सोफा सेट पे बैठे हैं, कंफर्ट है सोफा, लेकिन सिर्फ बॉडी को रिलैक्स है, लेकिन मन को रिलैक्सेशन नहीं है, मन रिलैक्स नहीं है, तो अच्छे सोफा सेट पे बैठ के मन आप सेट रहे, ये कौन सा ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ना, कहेंगे भैया हमको अच्छा सा गद्दा दिखाओ जिससे हम अच्छा सो सकें, कंफर्ट होना चाहिए, अब अच्छा गद्दा है आजकल तो ब्रांड के लेते हैं ना लोग, कुलॉन और ये क्या क्या चलता है, ये वाला चाहिए, लेकिन उस पे लेटे लेटे आपका मन अपसेट है, तब तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, आपने घर में बहुत अच्छा भौतिक चीजें सेट कर ली है, भौतिक सब कुछ सेट है, लेकिन मन सेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के एक एक बच्चे का मन भी तन भी घर भी रिश्ते भी हर चीज सेट होनी चाहिए, किसी भी चीज में ऐसा ना दिखे कि अपसेट है, आपके रिलेशन थोड़े गड़बड़ है, आपका व्यवहार थोड़ा गड़बड़ है, आपकी वाणी थोड़ी गड़बड़ है, आपकी दृष्टि इस समय ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी हर चीज हर स्थिति सेट होनी चाहिए, हो सकता है तो इस समय हमें जब समय मिला है तो हम यही प्रयास करें कि हम सब चीजों को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम सामान की सीट पर सेट रह सकते हैं, उसके लिए आपको चाहे जितना अभ्यास करना पड़े आप अभ्यास करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, मेहनत करने का थोड़ा सा टाइम मिला है तो हमें मेहनत करनी चाहिए, करनी पड़ेगी तभी हमें फायदा होगा, नहीं तो लास्ट में तो अचानक घंटी बज जाएगी, पिछले बार जब क्लास हुई थी तो हमने कहा था नहीं रिहर्सल नहीं है, रिहर्सल है, रियल नहीं है, अभी रिहर्सल में अगर हम इतना अपसेट हो रहे हैं इतना परेशान है तो रियल होगा तो क्या होगा,
तो रियल आए उसके पहले ही हम रियल बन जाएं, रियल मीन सत्य बन जाएं, और सत्य को फिर कोई आंच नहीं होती, सत्य को कोई डर नहीं होता, सत्य को कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। तो बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि अपने आप को एक चैलेंज दीजिए, आज आप सब अपने आप को एक चैलेंज करिए। क्या चैलेंज करेंगे? कि अब मैं आत्मा देखती हूं कि मुझे कौन एक्सेप्ट कर सकता है। खुद को चैलेंज कर दीजिए और उस चैलेंज पे पक्के रहिए। कुछ भी हो जाएगा मैं एक्सेप्ट नहीं हूं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, चाहे कोरोना, चाहे कुछ भी, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, नहीं भी हो। वैसे तो मुझे लगता है बाबा के बच्चों के आगे कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें ही परेशान हुए पड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों में ही परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम सब ये संकल्प लेंगे, चलिए एक हफ्ते तो संकल्प करिए, अगली बार फिर देखेंगे कि एक हफ्ते मुझे किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, बहुत सेट रहना है, अपनी सोहान की सीट पर सेट रहना। और सबको सेट रखना भी है, हम अपसेट हुए दूसरों को अपसेट कर देते हैं, तो ना अपसेट होना है ना दूसरों को अपसेट करना है, हमेशा सोहान की सीट पर सेट रहना है, दूसरों को भी सेट रखना है। ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना। कर पाएंगे सभी? हाँ कर पाएंगे। बस आप सब अपने चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान, एक ताजगी, एक ऊर्जा हमेशा बरकरार रखना। चेक करते रहा करिए कि आपके चेहरे से वो ताजगी, वो खुशी, वो मुस्कुराहट गायब तो नहीं हो रही है। अगर गायब हो रही है, मन अपसेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर कई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ घर वाले कहेंगे क्या दिक्कत है, कहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लग रहा है। तो बाबा कहते हैं नहीं, वो हमको बार बार चेक करते रहना कि वो मुस्कुराहट, वो ताजगी, वो खुशी, वो खुमारी भगवान को पाने की, वो हमेशा हमारे जीवन में दिखाई देती रहे। आप सब खुशनुमा दिखे, अलग से दिखे दुनिया में। जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनके फेस अलग दिखने चाहिए। जैसे मंदिर जाते हैं तो देवी देवताओं के फेस अलग दिखते हैं। उनके आगे कोई दुखी परेशान भी जाता है तो उनको देख के सुकून महसूस करता है। ऐसे हम बाबा के बच्चों के चेहरे भी खुशनुमा उमंग उत्साह से भरे हुए दिखने चाहिए, जैसे अभी दिख रहे हैं सुनते समय। सब थोड़ा जोर से तो मुस्कुरा लीजिए। ऐसे ही सदा मुस्कुराते हुए रहना है। चिंता फिक्र करने वाला बैठा है, उसको अपनी गठरी दे दो। अपनी गठरी हमको नहीं उठानी है, नहीं बांधनी है। बाबा हमारा बैठा है, बस बाबा को आप बांध लो, बाकी सब छोड़ दो। बाबा को आप अपना बना लो, बाबा को आप बांध लो, बाकी सब छोड़ दो। तो सब सहज हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।